बैक टू फूड फिलिक। आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल नूडल्स, और उसके लिए जो कॉमन वेजीज हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि एक अनियन, हाफ कप है फ्रेंच बीन्स, एक कप श्रेडेड कैबेज, हाफ कप यहाँ पे एक कैप्सिकम और हाफ कप श्रेडेड कैरेट। यहाँ पे है एक टीस्पून चिली सॉस, एक टीस्पून सोया सॉस, फिर है एक टीस्पून जिंजर और गार्लिक जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है दो ग्रीन चिली। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैक नूडल्स, आप कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा चाहिए होगा हमें सॉल्ट टू टेस्ट और रिफाइंड ऑयल। हम सबसे पहले एक वेसल में पानी ले रहे हैं और इसे बॉईल होने देंगे, क्योंकि हमें इसमें नूडल्स को बॉईल करना है। हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। हम ऐड करेंगे हमारे नूडल्स। आप यहाँ पे नूडल्स को ब्रेक करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। और हमें इसे हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए ही बॉईल करना है, बाय द क्लॉक। आप इसे ज़्यादा बॉईल ना करें। अब लगभग एक मिनट हो चुका है, इसे हम अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। और स्ट्रेन करते ही हमें ठंडे पानी से इसे वॉश करना है। हमने इसे कर लिया है स्ट्रेन, अब इसे करते हैं वॉश। ठंडे पानी से इसलिए वॉश करना है ताकि इसका जो हीट है वो ख़त्म हो जाए और ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अब यहाँ पे कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी ऐड करते हैं ताकि एक दूसरे में स्टिक ना हो। हम यहाँ पे ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है और इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है साइड में। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक पैन और उसमें ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। हमें फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पे ही कुक होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। फिर ऐड करेंगे हमारी चिली। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अनियन। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। हमें अनियन को बस थोड़े सेकंड्स के लिए इसमें सौते करना है, इसे ब्राउन होने नहीं देना है पूरी तरीके से। आप इसी टाइम पे चाहे तो MSG या अजीनोमोटो ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ। इसे हम कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं ताकि ये जले ना। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फ्रेंच बीन्स। सारी वेजीज़ को हम हल्का हल्का बस टॉस करेंगे ताकि इन वेजीज़ के क्रंच बने रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कैरेट, कैप्सिकम, फिर हमारा कैबेज। इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो लगभग 30 से 40 सेकेंड्स हो चुके हैं और हमारी वेजीज़ ओवर कुक भी नहीं हुई हैं। इसी टाइम पे हम ऐड करेंगे सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस। चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और तुरंत इसमें ऐड करेंगे हमारे नूडल्स। और फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। नूडल्स रेडी हो गया है, इसे कर लेते हैं सर्व। और ये हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स रेडी है।